अपने भतीजे को पिछले आधे घंटे से झूले दिए जा रहा हूँ। झूला देते देते झूले को देखते देखते मुझे अम्मी लाने लग रही है, लेकिन साहब जाग रहे। Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. दाल चावल खाने का अगर मैं तुम्हें मुनफरिद और देसी तरीका बताऊं मेरी नजर में जो मुझे अच्छा लगता है, तो जब तुम चावल के ऊपर दाल डालते हो तो इतनी दाल डाल दो कि एक भी चावल सूखा ना रहे, और फिर जब तुम उसको खाने लगो तो उसको इतना मिक्स कर दो कि तुम्हारी उंगलियां यहाँ तक खराब हो जाए, तो जब लगेगा भैया कि तुमने खाई है दाल प्लस चावल। मेरी नज़र में तो सबसे देसी तरीका और मुनफरिद और अच्छा तरीका तो यही है, मज़ा आता है। माना कि इट्स लुक लाइक ऑकवर्ड बट मज़ा तो इसी मुझे एक प्लेट चावल का खाना हो, ठीक है एक प्लेट, तो कितना टाइम लगेगा खाना निकालने में, बैठ के खाने में? मुश्किल से 10 मिनट, चलो ये भी बहुत कह रहा हूँ 10 मिनट, आधा घंटा या 35 से 40 मिनट लग गए। मतलब शॉर्ट्स भी लेने थे, खाना भी निकालना था, खाना भी था, इधर उधर फोन रखना था। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन मज़ा आता है। हेलो यार, अभी एक हफ्ता पहले जो है ना गाड़ी के साथ थोड़ी अनहोनी हो गई थी, गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, डेड मुराद बिल्कुल खत्म। क्या आप सेल्फ मारो तो रिस्पांस भी ना दो, तो मैंने भी 3 दिन पहले गाड़ी में नई बैटरी लगवाई है फुल पावर वाली। अब मैं क्या करता हूँ, रोज आता हूँ उसको स्टार्ट करता हूँ 5 से 10 मिनट तक, ताकि गाड़ी चलती रहे, ताकि बैटरी चलती रहे, बैटरी चलती रहेगी तो हम चलते रहेंगे, कहीं आना जाना हो सकेगा। ये फिर मोबाइल जा रहा है। हाँ तो मैं कह ये रहा था कि सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो इसलिए अबे तुम तो सही रहो, तुम कहाँ चले जाते हो, गाड़ी स्टार्ट है ना चलो। हाँ तो मैं कह ये रहा था कि मैंने नई गाड़ी में बैटरी लगवाई है, तो मैं रोज़ आके इसको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ वैसे भी टाइट हो गई हैं, मतलब सही हो गई है, इतनी भी नहीं हुई है लेकिन सही हो गई है, तो इसलिए रोज़ आके स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है। और लाइट भी नहीं लगवाई है, शेड देख रहे हो कैसा, यही थंबनेल लगाऊंगा। हेलो फ्रॉम द टॉप, टॉप मतलब अपने टेरेस से बात कर रहा हूँ। आज डायरेक्ट लड़का आया टॉप से अपने ब्लॉग के आखिर में। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि खालिद रोज़ अपलोडिंग नहीं कर रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खालिद रोज़ अपलोडिंग कर रहा है अपने इंस्टा अकाउंट पे और अपने फेसबुक पेज पे। अगर तुमने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। 7-8 दिन हो गए लड़का डेली अपलोड कर रहा है कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं 1-2 मिनट की वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ, तो इसलिए 1-2 मिनट की वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पे, अपने फेसबुक पेज पे, यहाँ पे बड़ी बड़ी वीडियोज़, तो छोटी छोटी वीडियोज़ वहाँ पे, बड़ी बड़ी वीडियोज़ यहाँ पे। तो फॉलो नहीं कर रहे तुम, गलत कर रहे हो, तुम वहाँ फॉलो करो ना। और बस डायरेक्ट फ्रॉम द टॉप, अल्लाह हाफिज़, पीस। मेरे बालों को इग्नोर करो।